हाय फ्रेंड्स, सुबह हो गई है, मैं उठ गई हूँ और नल भी आ गए हैं तो पानी भर लेते हैं। साथ ही मैं चाय भी रख देते हैं ताकि दोनों काम साथ हो जाए, थोड़ा जल्दी हो जाएगा क्योंकि ये काम भी। तो पानी भरा गया है, फ्रिज में रख देते हैं, ठंडा हो जाएगा पानी, गर्मी बहुत है। तो चाय बनके रेडी हो गई है, हम पी लेते हैं और साथ में अब सफाई भी हो जाए थोड़ी, क्योंकि नहाने से पहले सफाई हो जाए तो अच्छा है। साथ में कपड़े तो धुल ही गए हैं मेरे, डाल देते हैं और इसके बाद नहाने जाते हैं क्योंकि और भी काम है जो करना। तो मैंने नहा लिया है, अब क्रीम लगा लेती हूँ, सनस्क्रीन। वैसे तो धूप नहीं है अंदर, तब भी लगाती हूँ मैं। अब पूजा की तैयारी करते हैं, पूजा के बर्तन साफ़ कर लें, पूजा करना है। पूजा करने में बहुत अच्छा लगता है। अब खाने की तैयारी कर लेते हैं। आलू के पराठे बनाना है तो आलू काट के रखते हैं क्योंकि जल्दी उबल जाते हैं आलू काट के रखने से, और उससे पहले हम धो देते हैं ताकि उसकी मिट्टी साफ हो जाए। तो हमने आलू धो लिए हैं, कुकर लगा दिया है, दो सीटी में आलू पक जाएंगे। आलू रेडी है, अब हम आलू का पानी गर्म है तो बाहर निकालेंगे क्योंकि सिंक में डालने से उसका पाइप ख़राब हो जाता है। तो आलू की चटनी बनने वाली है क्योंकि मैं उसी की सब्ज़ी भी बना दूंगी, थोड़ी सी चटनी भी निकाल दूंगी ताकि उसके आलू के पराठे बन जाए और सब्ज़ी भी बन जाए, दोनों काम हो जाएंगे मेरे उसमें। तो आलू का पराठा बन के रेडी है। दिशु को और हमारे हस्बैंड जी को बहुत ज़ोरों की भूख लगी है तो उन लोग की भी थाली आ चुकी है। दिशु के स्कूल जाने का टाइम हो गया, रेडी कर देते हैं। दिशु रेडी हो गई है और उसको स्कूल का टाइम भी हो चुका है तो छोड़ने जाएंगे अब। ये देखो दिशु, ये दिशु का स्कूल, ये दिशु रेडी क्लास में जाने के लिए, अपने फ्रेंडों से मिलने के लिए। बहुत एक्साइटेड रहती है स्कूल जाने के लिए वो। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग हमारा कैसा बना तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट ब्लॉग यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको मज़ा आया हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। दिशु का स्कूल आ गया है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय।